नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के एलनाबाद में रैली को संबोधित किया और कहा कि बीजेपी सरकार गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के इस महान क्षण, इस ऐतिहासिक क्षण से पूरी दुनिया को परिचित कराने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और हरियाणा में 21 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने आज पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ग्रे लिस्ट में होना किसी भी राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की कार्रवाई पर सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को लेकर कहा कि उन पर दबाव है, उन्हें कार्रवाई करनी होगी। हम चाहेंगे कि वे शांति बहाल करने की दिशा में काम करें। भारतीय सेना को पहली बार देश में बनी 40,000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स की आपूर्ति की गई है। जी हां, इन जैकेट्स को बनाने वाली कंपनी SMPP प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मेजर जनरल अनिल ओबेरॉय ने बताया कि वे सेना को समय से पहले ही पूरा ऑर्डर प्रदान करा देंगे। सरकार द्वारा यह ऑर्डर पूरा करने के लिए कंपनी को 2021 तक की तारीख दी गई है, लेकिन कंपनी द्वारा 2020 के अंत तक सारी जैकेट्स बनकर तैयार हो जाएंगी। सरकारी बैंकों के विलय के खिलाफ दो बैंक यूनियनों द्वारा 22 अक्टूबर को एक दिवसीय हड़ताल पर देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि SBI पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों को चेतावनी दी है कि इस दिन बैंक का कामकाज पूरी तरह प्रभावित हो सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी हत्याकांड को 24 घंटे के अंदर सुलझा लेने का दावा किया है। जी हां, बताया जा रहा है कि राशिद पठान नाम का शख्स इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। यूपी पुलिस के DGP OP सिंह ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस मामले में अब तक 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये तीनों इस हत्याकांड में शामिल रहे हैं। हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी की हत्या का मामला उत्तर प्रदेश पुलिस सहित गुजरात ATS भी सुलझाने में लगी हुई थी। गुजरात आतंकवाद विरोधी दस्ते के DIG हिमांशु शुक्ला ने इस मामले में एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बयान जारी करते हुए साफ किया कि हिरासत में लिए गए तीनों लोगों ने अपराध कबूल कर लिया है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ से राहुल गांधी ने चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद दिल्ली के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी थी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उनके हेलीकॉप्टर की रेवाड़ी में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। रेवाड़ी में राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर KLP कॉलेज में उतरा। उसके बाद उन्होंने वहां बल्ला थामा और कॉलेज के क्रिकेट ग्राउंड में बने क्रिकेट नेट्स पर जमकर बल्लेबाजी की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था संकट में है और 5 साल में 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य संभव नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ नीति आयोग का दावा है कि सरकार ये लक्ष्य हासिल कर लेगी। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के डांस का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह मंच की सीढ़ियों से उतरते हुए हाथों में फूलों का गजरा लिए डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मस्सी के मूड में दिखाई दिए, जहां वह चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद डांस करते नजर आ रहे हैं। सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा ने कल शिवसेना ज्वाइन कर ली है। जी हां, शेरा ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना ज्वाइन की। शेरा मातोश्री निवास पर पहुंचे थे, जहां उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। आपको बता दें कि इस बात की घोषणा शिवसेना ने ट्विटर हैंडल से की है। अफगानिस्तान में कल मस्जिद में नमाज के दौरान हुए धमाके में कम से कम 62 नमाजियों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। ये धमाका संयुक्त राष्ट्र के उस बयान के एक दिन के बाद हुआ, जिसमें कहा गया था कि देश में हिंसा अस्वीकार्य स्तर पर पहुंच गई है। आयुष्मान खुराना की अपकमिंग मूवी बाला एक बार फिर कॉपीराइट उल्लंघन के मामले को लेकर चर्चा में है। जी हां, पहले फिल्म की कहानी और अब फिल्म के गाने को लेकर बाला मेकर्स परेशानी में है। मशहूर सिंगर म्यूजिक कंपोजर डॉक्टर जीयूस ने गाने के मेकर्स पर उनका गाना चुराने का आरोप लगाया है। कल बाला का नया गाना डोंट बी शाय रिलीज किया गया, जिसमें फिल्म में इस्तेमाल यह गाना डॉक्टर जीयूस का पॉपुलर हिट ट्रैक है। उन्होंने गाने के मेकर्स पर नाराज होते हुए कहा कि फिल्म में डोंट बी शाय गाने के मेकर्स ने उन्हें बिना कोई क्रेडिट दिए उनके गाने का इस्तेमाल किया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज इंडिया।